Hey, what is up YouTube? Welcome to another video. तो जैसा कि आप टाइटल से बता ही सकते हैं कि टुडे आई हैव गॉट फॉर यू एक और मॉडिफिकेशन टू माय मोटरसाइकिल। ये वाला जो मॉडिफिकेशन है ये मैं अपने हर बाइक पे करता हूँ, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इस बार जो मैंने मॉडिफिकेशन करा है मेरे ये वाले बाइक पे, ये मैंने खुद से बनाया हुआ है। और जैसा कि आपको टाइटल से पता ही चल रहा होगा कि ये एक चार्जिंग यूनिट है, तो मार्केट में आपको काफ़ी सारे चार्जिंग यूनिट्स मिलेंगे जो कुछ इस तरह से दिखते हैं, जो आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगे। तो देखो 12 वोल्ट, दो USB, पीछे स्विच हुआ तो हुआ, ये वाला वायर बीच में कहीं पे फ्यूज़ हो जाता है। जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, 800-900 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा आपको अमेज़ॉन या तो लोकल मार्केट में। और ये वाला अगर ख़राब भी हो जाता है तो आपको इसको पूरी तरह से निकाल के फेंक देना पड़ेगा और एक नया वाला लगाना पड़ेगा, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है और काफ़ी यूज़लेस सा प्रोडक्ट हो जाता है। मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है वो काफ़ी चीप है, आप खुद से बना सकते हो या किसी मैकेनिक से लगवा सकते हो, इट्स वेरी इजी, 500 रुपीज़ के अंदर बन जाएगा और आपको ऑलमोस्ट फुल लाइफ ऑफ द बाइक तक चलेगा। कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती है तो ईजिली रिपेयर हो सकता है। बट बिफोर आई टेल यू एनीथिंग मोर अबाउट दिस प्रोडक्ट, इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, इन केस यू जस्ट फॉरगॉटन, हे व्हाट इज़ अप यूट्यूब, यू वॉचिंग मोटो जेनेसिस एंड वेलकम टू अनदर वन ऑफ माई वीडियो। वेलकम बैक यू गाइस। तो आज के वीडियो में मैं जो आपको दिखाऊंगा वो इस तरह के यूएसबी केबल वाले चार्जर तो नहीं है, रादर इट इज़ अ 12 वोल्ट का चार्जर। ये 12 वोल्ट जो है, जो ऐसा वाला दिखता है, जो आपको यूजुअली आपके गाड़ी या स्कूटर में यूजुअली मिले। तो बिफोर आई बिगिन मेरे को आपको ये बात बतानी है कि क्यों मैं आपको 12 वोल्ट बता रहा हूँ और क्यों यूएसबी वाला क्यों नहीं बता रहा हूँ। द आंसर इज सिंपल, ये जो यूएसबी वाले होते हैं वो काफ़ी ईजिली ख़राब हो जाते हैं, पानी वानी जाता है वो शॉर्ट हो जाता है, जंग पकड़ता है और ईजिली ख़राब हो जाता है। रादर 12 वोल्ट का जो होता है वो काफ़ी वर्सेटाइल रहता है, इसमें आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लगा सकते हो अदर देन चार्जिंग। जैसा कि ये आप देख सकते हो, ये है मेरा डैश चार्जर वन प्लस फोन का, जिससे मैं अपने फ़ोन का चार्जिंग काफ़ी फास्ट कर, जिसमें उसमें ये भी लगा सकता हूँ, ये है एक टायर इन्फ्लेटर। अभी ये तो बात हो गई कि आपको ये वाला ही चार्जर क्यों लगाना है, पर अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चार्जर दिखता कैसे है और काम कैसे करता है। तो बट फॉर दैट वी हैव टू गो टू माय मोटरसाइकिल, सो लेट्स गो क्विकली एंड देन आई विल शो यू हाउ इट लुक्स एंड हाउ इट वर्क्स। आई विल सी यू एट द बाइक। गाइज एज यू कैन सी आई हैव इंस्टॉल्ड इट ओवर हेयर। तो ये हमारा 12 वोल्ट का जो इसमें वाटर प्रूफ लॉक होता है, यू कैन जस्ट इंस्टॉल इट। ये मैंने डबल टेप से स्टिक किया है पीछे से, और ये जो है वो मेरा चार्जर का है, और ये सारे वायर्स जो है यहाँ से नीचे से जाके बैटरी में कनेक्ट हो जाता है। तो अभी मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। सो एज यू कैन सी माई बाइक इज़ ऑन, और ये जो प्रोडक्ट है ऑफ है, ये जो स्विच है मेरा ऑफ है, और यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है वो पूरा प्रोडक्ट जो आपको दिख रहा है, पूरी वायर जा रही है नीचे तक। तो अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, प्रोडक्ट भी ऑन है, तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हो 27.5 का दिख रहा है सेट, और ये कंप्रेसर ऑन। सो दैट्स हाउ यू नो दैट द प्रोडक्ट इज फिट इन प्रॉपरली। सो आई विल सी यू बैक एट होम। तो ये हुआ कि वो दिखता कैसे, उसको लगाना मतलब वो लगने के बाद कैसे दिखता है, और बेसिकली उसका फंक्शनिंग कैसा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि उसको बनाना कैसा है। नाउ कम्स द ट्रिकी पार्ट, विच इज़ टू मेक द प्रोडक्ट है। कुछ चीज़ें आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें आपको लोकल स्टोर्स में भी मिल जाएंगे, तो वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी अमेज़ॉन के लिंक्स विंक्स होंगे वो सारे। लेट्स स्टार्ट विथ वॉट यू विल बी नीडिंग। फर्स्ट यू विल बी नीडिंग द प्रोडक्ट इट सेल्फ, जो आपको अमेज़ॉन पे ईजिली मिल जाएगा, 100-200 रुपए का आता है जो प्रोडक्ट आपने देखा, जो सॉकेट है मेन सॉकेट वो वाला आपको खरीदना है। सेकेंड थिंग आपको खरीदना है वायर्स, रफली 5-6 मीटर्स के खरीदो, रफली 3 mm थिकनेस तो मिनिमम रखो, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी वोल्टेज और काफ़ी सारी मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो इट हैज़ टू बी एबल टू टेक दैट मच कैपेसिटी।
द थर्ड थिंग यू विल बी नीडिंग इज अ स्विच, जो रेड कलर का टिकटॉक वाला टिपिकल स्विच आता है वो खरीद लेना, वो मिंडा भी अभी बनाता है, सो एक ब्रांडेड वाला आपको मिल जाएगा। तो मैं तो प्रिफर करूँगा आप मिंडा वाला खरीदो, या तो फिर आपको जो स्विच पसंद है। एंड द लास्ट थिंग यू नीड इज अ इनलाइन फ्यूज। अभी इनलाइन फ्यूज किस चीज़ में काम आता है, तो ये अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाते हो और समझो कि आपका इलेक्ट्रिक करंट कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है या ज़्यादा खींच जाता है, तो इसके अंदर ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसके अंदर एक 15 amp का फ्यूज़ है, तो ये फ्यूज़ उड़ जाएगा और आपका प्रोडक्ट और बाइक बेसिकली सेफ रह जाएगी। अब नाउ अज्यूमिंग आपके पास सारे पार्ट्स आ चुके हैं, नाउ लेट मी शो यू हाउ टू असेंबल दिस एंटायर प्रोडक्ट टुगेदर और कैसे इसको आप आपके बाइक पे इंस्टॉल। दिस इज व्हाट योर एंटायर यूनिट लुक्स लाइक। आपका एक यूनिट होगा, स्विच, इनलाइन फ्यूज और एक बैटरी होगी। तो आपको करना क्या है कि यूनिट को स्विच से कनेक्ट करके इनलाइन फ्यूज डाल के बैटरी में कनेक्ट करना है, पर इसके भी बीच में काफ़ी सारे वायर्स आ जाएंगे। तो आपको करना ये है कि उसका जो नेगेटिव साइड है यूनिट का, नीचे लिखा होगा, उससे एक वायर खींच के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आपको कनेक्ट कर देना है। तो ये हो गया अपना नेगेटिव कनेक्शन। फिर जो है यूनिट का जो पॉजिटिव साइड है उससे एक वायर लेके आपका जो स्विच है, स्विच में आपके होंगे दो वायर्स, तो दोनों में से किसी भी एक वायर में कनेक्ट कर देना है। तो उससे क्या होगा कि आपके स्विच में कंट्रोल आ जाएगा आपके यूनिट के पावर सप्लाई का। फिर स्विच का दूसरा वायर आपको जो है जो ओपन रहेगा उससे एक वायर खींच के आपको कनेक्ट करना है आपके इनलाइन फ्यूज़ के किसी भी एक वायर में। तो स्विच और इनलाइन फ्यूज़ के किसी भी वायर में आपको कनेक्ट कर देना है, और इनलाइन फ्यूज़ का दूसरा वायर आपको कनेक्ट करना है बैटरी में। तो ऐसे आपके बेसिकली पॉजिटिव साइड में आपको कनेक्ट करना है बैटरी के। सो एज यू सॉ गाइस द प्रोडक्ट इज प्रीटी इजी, इट्स प्रीटी चीप, काफी रिपेयरेबल भी है, इट इज वेरी इजी। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो यू गाइस। अगर आपको फिर भी कोई सवाल रह जाते हैं, आपको कुछ कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर अ मास्क। टेक केयर यू गाइस, बाय।